कटनी से रीवा रोड मैहर एनएच में 7 में बने रेलवे ओवरब्रिज की हालत खस्ता हाल है। ब्रिज पर जगह जगह बड़े बड़े दर्जनों हुए गड्ढे और सरिया दिखने लगी हैं। वहीं आपको बताते चलें, बड़े बड़े हादसे भी हो रहे हैं, हादसे की भी गुंजाइश है, क्योंकि बड़े बड़े वाहन ब्रिज से जब गुजरते हैं तो सरिया से टायर फटने का भी खतरा बना है, जिससे बड़े हादसे का भी खतरा बना हुआ है। ऐसा नहीं कि जिम्मेदार हवाई मार्ग से जाते हों ना जाते हों, वो भी चलते हैं इसी मार्ग से, उसके बाद भी ब्रिज के गड्ढों पर नज़र नहीं पड़ती है। ऐसा कैसे मुमकिन है? कटनी से बृंद की औद्योगिक नगरी रीवा को जोड़ने वाली ये सड़क व्यस्त सड़कों में से एक है, जिसमें हजारों लोडेड गाड़ियां रोज गुजरती हैं और वो वाहन इन ब्रिज में हादसे का शिकार हो चुके हैं। लेकिन यहाँ का प्रशासन अभी भी कुंभकर्णी नींद में है। लोकल 60-गांठ का फायदा लेने वाले चाटुकार ठेकेदार और दंश मैहर झेल चुका है। जब मैहर पूरे देश की सुर्खियों में था, खड़ी बिल्डिंग्स के भर भरा कर गिरने का मामला आया था। मैहर से एमपी न्यूज कास्ट के संवाददाता पुष्पेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट।